गुड इवनिंग, मैं सरेश मोहर आप सभी का अपने चैनल एसएम ट्रांसलेशन में स्वागत करता हूं। आज आप लोगों का नया टेंस शुरुआत हुआ है, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं टेंस, और टेंस का बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आज शुरुआत हुई है। तो आप सभी का हमारे चैनल एसएम ट्रांसलेशन में स्वागत है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका हिंदी होता है भविष्यपूर्ण जारी काल। यानी अगर इसका पहचान का बात करें तो जब वाक्य के अंत में, किसी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, ऐसे वाक्य के अंत में आए, यानी क्रिया भविष्य काल में जारी रहेगी, ऐसा वाक्य आपको मिले, साथ ही साथ उस वाक्य में समय भी दिया गया हो, जैसे सोमवार से, मंगलवार से, 2010 से, मई से, बुधवार से, ये सब वाक्य के बीच में आए, यानी समय आपको निर्धारित कर दिया जाए और वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, साथ ही साथ समय दिया रहे, तो ऐसे वाक्य जब आपको मिले तो ऐसे वाक्यों को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। यानी कि आपको अगर कोई वाक्य मिले उसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, साथ साथ समय भी दिया रहे, यानी उसमें समय भी दिया रहे, यानी उसमें अगर आपको समय भी निर्धारित कर दिया जाए, जैसे कोई वाक्य आपको मिल जाए वह 2010 से जीएस एकेडमी में पढ़ रहा होगा, तो ऐसे अगर आपको मिल जाए वह 2010 से जीएस एकेडमी में पढ़ रहा होगा। अब देखिए 2010 इसमें समय है और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आया, तो वह क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया, यानी क्रिया जारी भी रहेगी और समय भी दिया रहेगा, यानी कोई कार्य आंशिक रूप से थोड़ा थोड़ा करके हर रोज होता रहेगा, यानी ऐसा अगर आपको मिले वाक्य तो वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। ठीक है, इसका सहायक क्रिया यानी इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब इसका होता है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है, विल हैव बीन और Shall have been। अब देखिए shall have been I और V के साथ लगाया जाता है, shall और been, shall have been जो होता है I और V के साथ, यानी मैं और हम के साथ shall have been लगाया जाता है, बाकी शेष जितने भी कर्ता है बचेंगे उनके साथ will have been का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस टेंस में अब देखिए यहां पर क्रिया जारी है तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म भी लगाएंगे। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसमें आईएनजी ऐड करेंगे। ठीक है, और इसका हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक, और वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, साथ ही साथ समय भी दिया रहे, तो इससे यह स्पष्ट होगा कि यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ठीक है, अब अगर इसका अंत में, इस टेंस के वाक्य के अंत में जब वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे तो वहां पर सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अब सिंस और फॉर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, सिंस और फॉर, क्योंकि समय दर्शाने के लिए सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए अगर कोई निश्चित समय है, निश्चित समय है तो वहां पर हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और कोई अनिश्चित समय है तो वहां पर हम लोग फॉर का समय फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अब आप लोग कहेंगे अनिश्चित और निश्चित क्या है, तो एक बार फिर से हम बता दें, निश्चित समय के साथ सिंस, यानी निश्चित समय कब आएगा, जैसे सोमवार से, मंगलवार से, 2020 से, जनवरी से, फरवरी से, ऐसे, यानी अगर आपको जो बात सीधे सीधे कह दिया जाए, यानी समय फिक्स कर दिया जाए, तो वो रहेगा उसके साथ सिंस का प्रयोग। लेकिन अगर जो अनिश्चित रहे, जैसे एक साल से, एक हफ्ते से, लगभग 20-25 ऐसे, मतलब दे एक महीने से, छह महीने से, तो ये जो है, ये जो दिन आ रहे हैं, जो समय आ रहे हैं, वो निर्धारित नहीं है, पता नहीं कौन से छह महीना है, पता नहीं कौन से कितने, कौन से हफ्ते से जोड़ा जा रहा है, मतलब कितने दिन से कौन सा हफ्ता बन रहा है, सोमवार से सोमवार की, मंगलवार से मंगलवार, तो जब अनिश्चित रहे तो वहां पर फॉर का, और जब निश्चित रहे तो वहां पर सिंस का। ठीक है, तो अब अगर इसके सिंपल सेंटेंस का बात करें, सिंपल सेंटेंस, ठीक है, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस यानी साधारण
वाक्य, यानी जो वाक्य साधारण हो, जैसे वह 2010 से पढ़ रहा होगा, यानी ये देखिए वाक्य क्या है, साधारण है। तो जो वाक्य में ज्यादा बचाव ना रहे वो वाक्य साधारण रहता है, जिसमें नहीं शब्द आ जाता है वो निगेटिव शब्द होता है, निगेटिव का वाक्य होता है। जिसमें प्रश्न वाला शब्द आ जाए वो प्रश्न सूचक शब्द यानी इंट्रोगेटिव का वाक्य होता है। जिसमें प्रश्न सूचक शब्द भी रहे और नहीं शब्द भी रहे तो वो इंट्रोगेटिव निगेटिव का वाक्य होता है, ठीक है। तो फिलहाल आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। एक बार फिर से हम इनको दोहरा दें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी होता है भविष्यपूर्ण जारी काल, ठीक है। और उसका पहचान होता है वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, साथ ही साथ समय भी दिया रहे, ठीक है, समय भी दिया रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान हो जाएगा। और इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। जो शैल हैव बीन होता है वो आई और वी के साथ, बाकी जितने कर्ता बचेंगे उनके साथ हम लोग विल हैव का इस्तेमाल, विल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें आई एन जी इसलिए लगाएंगे क्योंकि यह क्रिया जारी रहेगी, ठीक है। तो अब सिंपल सेंटेंस का अगर रूल देखा जाए तो रूल हो जाएगा इसका सब्जेक्ट फिर विल या शैल फिर हैव बीन फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, इसमें आई एन जी, ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड, सुवन 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 सुवन, सिंस, फॉर प्लस टाइम। इस प्रकार हम लोग वाक्य को इस रूल से ट्रांसलेट करेंगे, कोई वाक्य अगर आपको मिले तो इस रूल से ट्रांसलेट हम लोग करेंगे। तो जैसे अगर आपको एग्जांपल मिल जाए, एग्जांपल वह 2010 से मेरे घर पर रह रहा होगा, ऐसे आ जाए, वह 2010 से मेरे घर पे रह रहा होगा, उसको अगर ट्रांसलेट किया जाए तो आप देखिए यहां पर वह यानी ही, ठीक है, सब्जेक्ट कौन है, ही, यानी आ जाएगा ही के साथ तो विल आएगा, ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन। उसके बाद देखिए क्रिया क्या है, रहना, यानी लीव मीन्स रहना, लीव का आई एन जी फॉर्म हो जाएगा लिविंग, लिविंग कहां, मेरे घर पे, ऑन माई होम। इस प्रकार हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, यानी ही विल हैव बीन लिविंग ऑन माई होम, यानी वह 2000। अब देखिए यहां पर जो अब इतना तो हो गया, फिर उसके बाद सिंस और फॉर का बात करें, तो सिंस और फॉर का बात करेंगे तो यहां 2010 निश्चित है, तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, सिंस 2010। इस प्रकार हम लोग इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, यानी ही विल हैव बीन लिविंग ऑन माई होम सिंस 2010। इस प्रकार हम लोग इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। और एग्जाम्पल देख, और अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कोई एग्जाम्पल आपको मिल जाए, मैं कल से तुमको पढ़ा रहा हूंगा, ऐसे आ जाए, मैं कल से तुमको पढ़ा रहा हूंगा। तो यहां पर अगर ट्रांसलेट किया जाए तो सबसे का आया है मैं, यानी आई, आई के साथ शैल है, आई शैल है बीन। उसके बाद क्या है, यहां पर देखिए क्रिया क्या हो रहा है, पढ़ाना, पढ़ाना होता है टीचिंग, ठीक है, टीच हो जाएगा टीचिंग। उसके बाद तुमको यानी टू यू, यानी हो जाएगा यू शैल हैव बीन टीचिंग टू यू। लेकिन अभी देखिए यहां पर सिंस और फॉर का बाकी है काम, तो यहां पर सिंस लगेगा कि फॉर, यानी अगर आपको लगे कि कल निश्चित है तो वहां पर सिंस लगाइए, और अगर अनिश्चित लगे तो वहां पर फॉर, लेकिन ये निश्चित है इसीलिए यहां पर लगेगा सिंस टुमारो, ठीक है। इस प्रकार हम लोग इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। और अगर एग्जांपल आपको मिले, जैसे बात कर दिया जाए, राधा एक हफ्ते से बोल रही होगी, ऐसे आ जाए, राधा एक हफ्ते से
बोल रही होगी। यहाँ पर देखिए रही होगी आया और समय दिया है एक हफ्ते से, तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए आएगा राधा, सबसे पहले सब्जेक्ट है तो राधा, उसके बाद राधा के साथ विल हैव बीन, राधा विल हैव, उसके बाद बीन। अब देखिए यहाँ पर बोलना होता है स्पीक, स्पीक का एनजी फॉर्म स्पीकिंग हो जाएगा, स्पीकिंग स्पीकिंग। उसके बाद क्या है एक हफ्ते से, यानी यहाँ पर एक हफ्ता जो है अनिश्चित है, यानी पता नहीं सोमवार से सोमवार कि मंगलवार से मंगलवार कि शनिवार से शनिवार, तो इसलिए अनिश्चित है, इसलिए यहाँ पर फॉर कर देंगे, फॉर ए वीक, ठीक है फॉर ए वीक। इस प्रकार हम लोग इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल देखें, जैसे कविता 2 महीने से, कविता 2 महीने से घर की सफाई कर रही होगी, ऐसे आ जाए, ठीक है। कविता 2 महीने से घर की सफाई कर रही होगी, तो यहां पर रही होगी आया और समय भी दिया है 2 महीना, इसलिए हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो इसको ट्रांसलेट करें तो कविता आएगा सब्जेक्ट, यानी कविता, उसके बाद विल हैव बीन, कविता विल हैव बीन, उसके बाद क्या है सफाई करना, यानी अब देखिए सफाई का होता है क्लीन, क्लीन मतलब, और करना होता है डू, तो यहां पर सबसे पहले करेंगे तभी तो सफाई होगा, यानी हो जाएगा डू में अंजित डूइंग टू क्लीन, यानी क्लीन मीन्स सफाई, क्लीन, उसके बाद किसकी, घर की ना, ऑफ होम, क्योंकि अपने घर का सफाई कर रही है। इतना हो गया, फिर सिंस और फॉर का बात हो गया, सिंस और फॉर यानी 2 महीना अनिश्चित है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे फॉर 2 months। इस प्रकार हम लोग इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जो हमारे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं कल नेगेटिव सेंटेंस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।